हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मोटर। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन द सप्लाई इज कनेक्टेड टू द स्टेटर ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, दस अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। ओके, सो जैसे कि हम जानते हैं, हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में। तो उसमें क्या था कि जब हम क्या करते हैं, थ्री फेज सप्लाई स्टेटर पे देते हैं, तो उसमें क्या होती है, जैसे ही मोटर के स्टेटर पे हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं इंडक्शन मोटर में, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनने की वजह से हमारी मोटर क्या है, मोटर का जो रोटर होता है वो क्या होता है, स्टार्ट कर देता है रोटर उठाना, ठीक है। तो इस वजह से हमारी मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग कहलाती है, ठीक है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है इंडक्शन मोटर। ओके, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द मोटर स्लिप इज यूनिटी। जब स्टार्टिंग का टाइम होता है तो हम मोटर स्लिप क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं, एंड द स्टार्टिंग करंट इज वेरी लास्ट, और स्टार्टिंग पे जो करंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो स्टेटर का पर्पस होता है वो मोटर को स्टार्ट करना नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि उसका नेम सजेस्ट कर रहा है, लेकिन उसका पर्पस मोटर को स्टार्ट करना नहीं है, ठीक है। द पर्पस ऑफ अ स्टेटर इज नॉट टू स्टार्ट द मोटर एज द नेम इम्प्लीज, द स्टेटर ऑफ द मोटर परफॉर्म टू फंक्शन, ठीक है। तो स्टेटर जो है नाम से, स्टार्टर जो है नाम से क्या है, पर्पस उसका स्टार्ट करना नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, मेनली टू फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। पहला फंक्शन जो होता है स्टार्टर का वो होता है, वो रिड्यूस करता है हैवी स्टार्टिंग करंट को, ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है इंडक्शन मोटर की तो उसमें बहुत ज़्यादा करंट बनता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट आता है, तो उस करंट की वजह से क्या है, वाइंडिंग्स जल सकती हैं, तो उसको क्या कहता है, वो रिड्यूस करता है। सेकंड होता है टू प्रोवाइड ओवरलोड एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। सेकंडली जो हमारा स्टार्टर होता है वो क्या करता है कि ओवर वोल्टेज आ रहा है या फिर ओवरलोड हो रहा है तो उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो द थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बी स्टार्टेड डायरेक्टली टू द फुल वोल्टेज ऑफ सप्लाई और बाय अप्लाइंग अ रिड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। हमारे जो इंडक्शन मोटर है थ्री फेज, वो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली हम फुल वोल्टेज देकर, ठीक है, सप्लाई जो फुल सप्लाई वोल्टेज आता है वो देके भी स्टार्ट कर सकते हैं, और हम रिड्यूस्ड वोल्टेज देकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। जो टॉर्क होता है हमारा मोटर का, इंडक्शन मोटर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सो दस अ ग्रेटर टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय अ मोटर व्हेन इट इज स्टार्टेड ऑन फुल वोल्टेज देन व्हेन इट इज स्टार्टेड ऑन रिड्यूस्ड वोल्टेज। ओके, तो मोटर में क्या है, ग्रेटर टॉर्क एक्सर्टेड होता है जब हम क्या करते हैं उस पर फुल वोल्टेज पे स्टार्ट करते हैं, देन व्हेन इट इज स्टार्टेड ऑन रिड्यूस्ड वोल्टेज। ओके, द टू टाइप ऑफ रोटर्स आर यूज्ड इंडक्शन मोटर, सो वी स्टडी द स्टार्टिंग मेथड ऑफ दीज रोटर्स इंडक्शन मोटर्स, ठीक है। क्या करते हैं हम कि दो टाइप के रोटर यूज करते हैं, तो दोनों रोटर के लिए अपन दो टाइप जो स्टार्टिंग मेथड्स हैं उनकी स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं हम स्टार्टिंग ऑफ केज मोटर। सबसे पहले हम केज टाइप के रोटर के लिए, केज रोटर का यूज़ करके जो मोटर बनाई जाती है उनके लिए हम स्टार्टिंग मेथड पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड होती है डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्टेटर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये चार टाइप के हम मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और मेथड होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर, तो इसका भी हम यूज़ करते हैं। तो पांच टाइप के मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहली मेथड हम डिस्कस करते हैं केज रोटर के लिए स्टार्टिंग ऑफ, तो डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। फर्स्ट हमारा जो होता है डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर, ये मेथड हम अप्लाई करते हैं, ठीक। तो डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर में क्या होता है, पहला उसका पॉइंट होता है, दिस मोटर यूज्ड अप टू 5 kW स्टार्टिंग रेटिंग मोटर्स, ठीक है। ये जो मेथड है, ठीक है, ये अप टू 5 kW रेटिंग की मोटर्स तक के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। द स्टार्टिंग करंट मे बी लार्ज एज 10 times द फुल लोड करंट, ठीक है। जो फुल लोड करंट होता है मोटर का, उससे जो स्टार्टिंग जब ओपन करते हैं मोटर की, तो 10 times जो करंट जो होता है, ठीक है, वो 10 times लार्जर होता है फुल लोड करंट के, ठीक है। इसकी वजह से हमारी मोटर चल सकती है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं स्टार्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टार्टर के यूज़ करते हैं, वो स्टार्टर क्या होता है, अलग अलग मेथड से यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखें डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे अपन थ्री फेज सप्लाई देते हैं L1 L2 L3, ये हमारे फ्यूजेस होते हैं,
इन्फ्यूज़ से हम क्या करते हैं, तो ये इसका डायग्राम है, इसकी वर्किंग देखते हैं अपन, ठीक है। उसका वर्किंग के साथ मैं डायग्राम समझाता रहूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑपरेटेड कॉन्टेक्टर सी कंट्रोल्ड बाय स्टार्ट एंड पुश बटन्स विच मे बी प्लेस्ड इन द स्टार्टर, ओके। तो ये किससे बना होता है, कॉइल से बना होता है जो कंडक्टर सी होती है, ठीक है। ये कंडक्टर सी कॉइल इसमें लगी होती है, ठीक है, जो कंट्रोल सी कंट्रोल्ड बाय, जो कंट्रोल की जाती है किसे, स्टार्ट एंड पुश बटन से, ठीक है। इट मे बी प्लेस्ड इन द स्टार्टर, ये कहाँ स्टार्टर में लगी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट और पुश बटन है, ये वाला बटन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉइल कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इन दिस मेथड थ्री फेज सप्लाई टेकन एंड फ्यूजेज आर प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्री फेज सप्लाई हमने यहाँ पे ली, ठीक है, और यहाँ पे हमने फ्यूजेज लगा दिए। फ्यूज क्यों लगाया हमने, ताकि यहाँ पे प्रोटेक्शन मिले हमें, ठीक है। अगर ऊपर ओवर वोल्टेज होता है, ठीक है, तो उसके क्या होगा, ये फ्यूज़ क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है, और हमारी प्रोटेक्शन हमें मिल जाएगी, मोटर हमारी जलेगी नहीं, ओके। तो यहाँ पे फ्यूजेज लगा दिए जाते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड टू रिले आर यूज्ड, वन इज़ अंडर वोल्टेज एंड वन इज ओवर वोल्टेज, ओवर करंट रिले, ठीक है। यहाँ पे दो रिले का यूज़ किया जाता है। पहला जो रिले होता है वो किस क्या काम करता है, वो हमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है, और जो दूसरा लगा होता है वो ओवर करंट रिले कहलाता है, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, ऑन प्रेसिंग द स्टार्ट बटन एस वन, ठीक है, विच इज़ नॉर्मली हेल्ड ओपन बाय अ स्प्रिंग, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्टार्ट बटन है हमारा ये, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम जैसे ही इसको स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। जो और जो स्टार्ट बटन है वो नॉर्मली हेल्ड होता है, कैसे, स्प्रिंग से लगा हुआ होता है, ठीक है। द कॉन्टेक्टर कॉइल इज एनर्जाइज्ड विच इज़ कनेक्टेड बाय सप्लाई लाइन एल वन एंड एल टू, ठीक है। अब क्या होगा इसकी वजह से, ये जैसे ही ऑन होगा तो एल वन और एल टू, ये कॉइल कहाँ से कनेक्ट है, एल वन से कनेक्ट है, और यहाँ से जैसे स्विच क्लोज होगा, ये रिमोट स्टॉप रिमोट के लिए लगे रहते हैं ये स्टॉप बटन्स, ठीक है। रिमोट की हेल्प से अपन को इसको रिमोट की हेल्प से ये ऑफ करने के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट बटन, ये सारे क्लोज रहेंगे, ये भी क्लोज रहेगा, ठीक है। जैसे स्टार्ट बटन अपन पुश करते हैं, ये क्या होता है, कनेक्ट हो जाती है, यहाँ से टू फेज सप्लाई मिल जाती है, एक सप्लाई ये जाएगी एल टू और एक ये जाएगी एल वन, तो ये कॉइल क्या होगी, एनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है। टू फेज मिल गया इसको, ये कॉइल क्या होगी, एनर्जाइज होगी। जैसे ये एनर्जाइज होगी तो क्या होगा, ड्यू टू दिस द थ्री मेन कॉन्टैक्ट एम एंड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ए क्लोज्ड, ठीक है। तो जो तीन एम कॉन्टैक्ट मेन कॉन्टैक्ट हैं जी, एम एक दो और तीन, ये जो है ये मेन कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। जैसे ये एनर्जाइज होगी कॉइल, तो ये तीनों मेन कॉन्टैक्ट और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये ए और बी, इसका कॉइल से एनर्जाइज कॉइल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। जैसे ये एनर्जाइज होगी, एनर्जाइज होने की वजह से क्या होगा, तीन मेन कॉन्टैक्ट होंगे ये, और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये लगाए, ये क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, क्लोज्ड। एंड द टर्मिनल्स ए एंड बी आर शॉर्ट सर्किट, और ये दोनों टर्मिनल क्या हो जाएंगे, ए और बी शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे, तो उसके बाद सो द सप्लाई इज डायरेक्टली गिवन टू द मोटर थ्रू लाइन, सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑन लाइन मेथड, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है कि अब यहाँ से कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑन लाइन मेथड हो गई है, कैसे, क्योंकि जैसे ये मेन कॉन्टैक्ट क्लोज हुई, तो अब फेस यहाँ से नहीं जा रहा है, फेस हमारा डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑन लाइन। यहाँ पे हमारे ये मोटर कनेक्ट है, ये मोटर के टर्मिनल्स हैं, मोटर में कनेक्ट हो जाएंगे जाके। तो ये तीनों मेन कॉन्टैक्ट जैसे ही क्लोज होंगे, और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, तो ये तो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे दोनों, ए और बी पॉइंट। यहाँ से हमें डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई मोटर के टर्मिनल को मिल जाएगी, ठीक है। व्हेन वी पुश स्टॉप बटन एस टू, स्विच इज नॉर्मली हेल्ड क्लोज्ड बाय स्प्रिंग, द सप्लाई थ्रू द कॉन्टैक्टर कॉइल सी इज डिसकनेक्टेड एंड द कॉइल सी इज डीएनर्जाइज्ड, ठीक है। द मेन कॉन्टैक्ट एम एंड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ए आर ओपन, द सप्लाई टू द मोटर इज डिसकनेक्टेड एंड द मोटर स्टॉप्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम ये स्विच एस टू पुश करेंगे, ठीक है, तो इसको पुश करने की वजह से क्या होगा, सप्लाई जो है डिसकनेक्ट हो जाएगी, और ये वाला स्विच भी क्या हो जाएगा, ओपन हो। जैसे इसको आपने क्या किया, पुश किया बटन
एस टू को, ठीक है, जो नॉर्मली हेल्ड था किससे, स्प्रिंग से क्लोज्ड था, ठीक है। हमने जैसे इसको पुश किया तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा स्विच। ओपन जैसे होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब ये सेकंड वाला जो एक फेज तो इसको मिल रहा है, लेकिन ये सेकंड फेज इसको नहीं मिल रहा है, तो कॉइल क्या हो जाएगी, सी डीएनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाएगी और कॉइल डीएनर्जाइज हो जाएगी। तो जो मेन कॉन्टेक्ट है, अब जैसे ये डीएनर्जाइज होगी तो मेन कॉन्टेक्ट, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट और ये तीनों मेन कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे तुरंत। जैसे ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तो जो सप्लाई है मोटर के लिए वो यहाँ से, ये कॉन्टेक्ट ओपन हो गए तो अब यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, तो हमारी मोटर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ केज रोटर टाइप, केज मोटर के लिए, ठीक है, केज टाइप रोटर का यूज़ करके जो मोटर अपन बनाते हैं इंडक्शन मोटर 3 फेज, उसके लिए ये मेथड थी फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट ऑन लाइन मेथड, ठीक है, डायरेक्ट ऑन लाइन स्टेटर का, स्टार्टर का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेथड केवल 5 किलोवाट तक के लिए यूज़ की जाती है, अप टू 5 किलोवाट तक की रेटिंग्स के लिए, 5 to 10 किलोवाट तक अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। और क्यों यूज़ करते हैं मेथड्स, क्योंकि जो स्टार्टिंग करंट होता है मोटर में वो फुल लोड करंट से 10 टाइम्स मोर देन होता है, ठीक है, इस वजह से हमें ये स्टार्टर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें प्रोटेक्शन की बात आती है तो हमें 2 टाइप के प्रोटेक्शन मिलते हैं। फर्स्ट होता है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो व्हेन द वोल्टेज फॉल्स बिलो अ सर्टेन वैल्यू ड्यूरिंग द मोटर ऑपरेटिंग द कॉइल सी डीएनर्जाइज्ड देन मोटर डिस्कनेक्टेड टू सप्लाई, ठीक है। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन से हमें क्या होता है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मतलब जैसे ही वोल्टेज क्या हो रहा है, एक सर्टेन वैल्यू होती है, ठीक है, उस सर्टेन वैल्यू से जैसे ही वोल्टेज कम होगा, ठीक है, कब, जब मोटर हमारी ऑपरेट हो रही है, ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, जैसे ही वोल्टेज कम होगा एक सर्टेन वैल्यू से, ठीक है, एक वैल्यू रहती है जैसे 440 वोल्ट, ठीक है, तो उससे जैसे ही नीचे होगा वोल्टेज, कम होगा वोल्टेज, तो हमारी कॉइल जो है वो डी एनर्जाइज हो जाती है, ठीक है, और मोटर डिस्कनेक्ट हो जाती है सप्लाई से, ठीक है। सेकेंड आता है ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, तो इन केस ऑफ एन ओवरलोड ऑन द मोटर द ओवरलोड करंट रिले कॉइल्स आर एनर्जाइज एंड द नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट डी इज ओपन एंड द स्टेटर एंड द कॉन्टेक्टर कॉइल सी इज डी एनर्जाइज टू डिस्कनेक्ट द सप्लाई टू द मोटर, ठीक है। अगर क्या होता है, किसी भी ऐसी कंडीशन आती है कि मोटर पे क्या है, ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, तो जो करंट रिले होती है, ओवरलोड करंट रिले, ठीक है, ये लगी है हमारी ओवरलोड करंट रिले, ये वाली डी ओ एल सी जो लगी है वो ओवरलोड करंट रिले है, रिले है, ठीक है। जैसे ही ओवरलोड होता है, ठीक है, तो ओवरलोड जो करंट रिले है वो क्या हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी, ये को तुरंत क्या हो जाएगी, एनर्जाइज होने लगेगी, ओवरलोड होगा तो, ओवरलोड होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये जो कॉइल्स लगेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जाइज होगी, एनर्जाइज जैसे ही ये होती है तो वो क्या करती है, डी जो है वो ओपन हो जाता है यहाँ से, जैसे ये यहाँ से एनर्जाइज होगी, ओवरलोड होगा तो ये एनर्जाइज होगी यहाँ से, और एनर्जाइज होने की वजह से क्या होता है, तुरंत ये डी ओपन हो जाता है, ये जो लगा है स्विच, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओवरलोड करंट रिले है, है ना, ये क्या होता है, तुरंत ओपन हो जाता है। जैसे ये ओपन होगा तो जो इसकी वजह से ओपन हो जाएगा तो जो कॉन्टेक्टर कॉइल सी है वो भी क्या हो जाएगी, अब यहाँ से क्या होगी, डिस्कनेक्ट होगी ये सप्लाई, तो इसको दूसरा फेज नहीं मिल पा रहा था, एनर्जाइज नहीं हो पाई, तो ये क्या हो जाएगी, डी एनर्जाइज हो जाएगी। अब डी एनर्जाइज हुई तो ये क्या कर देगी, डी एनर्जाइज जैसे ही होती है तो क्या करती है, इन कॉन्टैक्ट को ओपन कर देती है, यहाँ से ऑक्सिलरी और ये तीनों मेन कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ से सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन, दोनों टाइप का प्रोटेक्शन डायरेक्ट ऑन लाइन मेथड में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये मेथड जो है डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर का हम यूज़ 5 to 10 किलोवाट की रेटिंग्स तक की मोटर के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है, स्टेटर रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं मोटर को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।